कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव देवियों और सज्जनों, कर्नाटका दा एला सहोदरा सहोदरियारिगे नन्ना नमस्कार गळु। आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के, नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं। आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। साथियों, इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है, वो वाकई अद्भुत है। आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, इससे मिशन और सशक्त हुआ है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा। मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा, इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और अध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है।
आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा था श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं, उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। ये जो काम देश में हो रहा है, उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं, उनमें से एक यहां चिक्कबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इस चुनौती की वजह से गांव के, गरीब के, पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक देश में ऐसी राजनीति चली है जहां गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीब की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जनऔषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जनऔषधि केंद्र है, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए
दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है। कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। साथियों, पहले हार्ट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, डायलिसिस हो, ये सब भी बहुत महंगा होता था। गरीबों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब माँ का स्वास्थ्य, माँ का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्बाई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाइयों और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्से और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है। साथियों, आरोग्य के साथ साथ माताओं बहनों बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांव में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी सशक्त किया जा रहा है। साथियों, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब विकास में सबका प्रयास लगेगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साय इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान साईं बाबा से मेरा बहुत निकट संबंध रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना, करीब 40 साल हो गए इस नाते को। और इसलिए न मैं यहां अतिथि हूं, न मैं मेहमान हूं,
मैं तो आप ही के यहाँ की इस धरती का ही संतान हूँ। और जब भी आपके बीच आता हूँ तो रिन्यू हो जाता है नाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।